Hello everybody, this is Sujit Naik and today we are going to learn about English first, and that is unit 6, Mr. Nobody we are going to learn today. Okay, this is a poem actually. Day before yesterday we have learnt about the spellings and the pronunciation, and today we are going to learn about the summary of this poem. इस पोएम की जो समरी है उसको हम आज लर्न करने जा रहे हैं, तो ध्यान दे के सब लोग सुनना। समरी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इसमें जो कंटेंट है, इसमें क्या स्टोरी है इस पोएम के पीछे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं समरी। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, अभी लर्न करने जाएंगे। ठीक है, ओके, डेफिनेटली आई विल डिस्क्राइब इन हिंदी ऑल्सो, डोंट वरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, आपको भी मज़ा आएगा आई होप। लेट अस स्टार्ट। वेल, मिस्टर नोबडी का मतलब क्या होता है, कोई है जिसको हम बोलते हैं मिस्टर नोबडी। आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस। मैं एक ऐसे छोटे बच्चे को यानी कि छोटे इंसान को जानता हूं जो कि एक माउस की जितना साइलेंट है। ओके, क्वाइट, क्वाइट मीन्स टू चुपचाप रहता है और घर काम कर देता है। माउस को पता है ना माउस क्या करता है, एक्चुअली माउस व्हाट इट डज, इट यू नो इट डैमेजेस आवर फूड, आवर क्लोथ्स विदाउट मेकिंग साउंड। कोई साउंड नहीं करता, इसलिए क्या करते हैं हम लोग इसको माउस की जैसे हम एक हमारी फैमिली में, हर किसी की फैमिली में ऐसे कोई ना कोई होता है जो कि काम चुपचाप कर देता है। काम क्या करता है, वो तोड़ फोड़ करता है, राइट, तोड़ फोड़ करता है, चीज़ें खो देता है। हम लोग पूछते हैं मेरा पेन यहाँ पे था, कहाँ गया, वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया, है ना। हर घर में ऐसे कोई ना कोई होता है। ओके, वो छोटा सा इंसान, राइट, ओके। हु डज मिस्चीफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस, जो कि वो मिस्चीफ किया हुआ है जो कि हर घर में मिस्चीफ होता है, ठीक है, इन एवरीबडीज हाउस। There's no one ever sees his face. कोई भी उसका चेहरा नहीं देखा, कोई भी आज तक उसके चेहरा नहीं देखा, ओके। एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ट, ठीक है। और सब लोग ये एग्री करते हैं कि जो जो प्लेट टूटा हुआ है ना, वो क्रैक हुआ था। कैसे क्रैक हुआ था, बाय मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी में ये सब काम किया है। ये नोबडी कौन है, आपको पता है नोबडी कौन है? Well, ये हर घर में होता है नोबडी। काम करने के बाद बोलता है मैंने नहीं किया, ओके? चलो, नोबडी का मतलब क्या होता है कि कोई नहीं, नोबडी मतलब कोई नहीं इन हिंदी, ओके। सो इफ यू विल आस्क टू मॉम, मॉम हैव यू क्रैक दिस वन, क्या आपने तोड़ा इसको, मान के मॉम क्या बोलेंगे, नो आई हैव नॉट डन। पापा को बोलेंगे, पापा के तो सवाल ही नहीं उठता, वो करते नहीं है। उसके बाद क्या है, दीदी हैज नॉट डन, भैया हैज नॉट डन, दादी दे हैव आल्सो नॉट डन, देन हु डिड इट। आखिर में एक छोटा बच्चा जो हमारे घर में होता है ना, उसको पूछा जाता है हु डिड इट, वो छोटा बच्चा भी ये बोलता है कि आई हैव नॉट डन, मैंने नहीं किया, ओके। तो पापा ने किया, मम्मी ने नहीं किया, नोबडी किया, कोई भी नहीं किया, मतलब नोबडी ने किया। तो ये मिस्टर नोबडी है कौन, ये हर घर में होता है, ओके। आखिर में सब लोग कंक्लूजन में आ जाते हैं कि नोबडी हैज डन, मतलब किसी ने नहीं किया, मिस्टर नोबडी, ठीक है, ओके। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस करो। मिस्टर नोबडी कौन है आपके घर में, वो भी मुझे बताओ, ठीक है। कोई है आपके घर में मिस्टर नोबडी जो ये सब काम करता है, प्लेट्स तोड़ना, चीज़ें खोना, इधर ये चीज़ें इधर की उधर करना, ऐसा कोई तो होगा आपके घर में, ओके। सो यू जस्ट टेल मी हु इज दैट नोबडी, यू कैन राइट व्हाट कमेंट्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, राइट, हु इज दैट मिस्टर नोबडी हु मेक्स दिस मिस्चिप्स at your home, you just make me a text, okay. I hope everybody you have learned this much for today. Tomorrow I will come with another video. Till then, bye bye, have a nice day.